कहते हैं मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास मनुष्य की सफलता का मुख्य संगठक है, मतलब सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा जरिया है। आत्मविश्वास का शाब्दिक अर्थ होता है खुद पर विश्वास होना। मनुष्य अपने संघर्ष की राह में अपना सबसे बड़ा साथी होता है, इसलिए उसे खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत बरुआ आप सभी का आपके चैनल प्लैनेट्स एंड हाउसेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज का दिन है सोमवार, कृष्ण पक्ष, तिथि तृतीया, रात्रि के 8:02 तक। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा और योग है शुक्ला। सूर्य आज वृषभ राशि से गोचर करेंगे और चंद्र धनु राशि से गोचर करेंगे और आज का शुभ समय सुबह 11:58 से 12:53 तक रहने वाला है और राहु काल का समय सुबह 7:18 से सुबह 9:01 तक रहेगा। यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो तो इस दौरान कोई शुभ कार्य ना करें। तो आइए बात करते हैं सभी 12 राशियों की आज के राशिफल की, और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, करियर के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और परिवारजन आज आपकी किसी योजना को पूरा करने के लिए भरपूर सहयोग देंगे। आज आपकी जो मेहनत है उसके सफल परिणाम मिलने की पूरी उम्मीद है, जिसके कारण आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने की पूरी पूरी संभावना है। प्रेम जीवन का आज सुखमय अनुभव आप करने वाले हैं और आज आपको मानसिक अड़चनों से लड़ने में परिवार का सहयोग भी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। आज के दिन आपको आर्थिक मामलों में तरक्की से अपार सफलता मिलने की संभावना है और आज आपको भाग्य का साथ भी मिल सकता है। आज के दिन आपको पेट संबंधी थोड़ी सी परेशानियां रह सकती हैं और आज घर से निकलने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें और यदि आप कोई निवेश करने जा रहे हैं या कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इस बात का आप विशेष रूप से ख्याल रखें। अपने प्रेम जीवन में अहंकार को तनिक भी जगह ना दें, नहीं तो आपके जो निर्मल संबंध हैं उनमें दरार आ सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए यदि बात करें तो जो लोग प्रोफेशनल हैं तो आज उनका दिन उत्साह और उमंग से भरा रहेगा। हालांकि आपके ऊपर वर्क प्रेशर भी रहने वाला है और जो कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो काफ़ी समय से किसी कारण से पेंडिंग थी तो आज आपको उनको पूरा करना होगा, लेकिन आज आपकी जो कार्यक्षेत्र में ऊर्जा है जैसे मैंने कहा कि वह बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है और उन्हें आज अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आज आप ऑफिस के कार्य में काफ़ी व्यस्त रहने वाले हैं और प्रेम संबंध में आपकी जो ऊर्जा है वह बहुत ज़्यादा चैनलाइज नहीं होगी, क्योंकि कार्य के अंदर आप इतना बिजी रहेंगे कि आप दूसरी तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो हो सकता है कि इसकी वजह से कुछ कहा सुनी या मनमुटाव आपको इस तरफ झेलना पड़े। कर्क राशि, आज के दिन आपको करियर में तरक्की के नए मौके मिलने की संभावना है। अब या तो ये आपको सेम जॉब में मिल सकता है या आप किसी अन्य जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, परंतु यदि वर्तमान परिवेश को देखें तो सोच समझकर ही कदम बढ़ाएं। कार्यक्षेत्र में आपको अपने पूरे किए कार्यों के प्रति प्रशंसा मिलेगी और जो परिवार के लोग हैं आज आप उनके साथ समय बिताकर सुख का आनंद लेने वाले हैं और तन और मन दोनों ही आज बहुत तंदुरुस्त रहने वाले हैं। हालांकि आज आपके खर्चों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन खर्चे परिवार की आय को रख कर ही करें। और एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जहाँ तक संभव हो क्रेडिट कार्ड के यूज़ और ईएमआई से अपने आप को दूर रखें। सिंह राशि, आज के दिन इंटरव्यू के लिए बहुत धैर्य के साथ अपने आप को प्रिपेयर करें, अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन सभी तैयारियाँ अच्छे से पहले ही पूरी कर लें। और एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि किसी भी तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स का सहारा ना लें, वरना ये आपके लिए आगे चलकर परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के योग हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें और माता पिता का आशीर्वाद लेकर किसी शुभ कार्य को अंजाम। गरीब और असहाय लोगों के लिए अपना मन जो है वह सौम्य रखें, यदि संभव हो तो उन्हें अपने यथासमर्थ उनकी मदद करें, इससे आपके मन को संतोष मिलेगा। कन्या राशि वालों का काम
यदि देखा जाए तो आज काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यात्रा के आपको अवसर भी मिलेंगे और करीबी रिश्तेदारों के साथ आज आपकी काफ़ी जो बातचीत रहने वाली है, काफ़ी आपकी जो ऊर्जा है उस तरफ रहने वाली है और सोच समझकर आप किसी भी निवेश की तरफ कदम बढ़ाएं। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है। और यदि सेहत की बात की जाए तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सजग रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको गर्मी और सर्दी, मतलब कि यदि आप एसी से एकदम से बाहर निकल रहे हैं या बाहर से एकदम आप एसी में या ठंडी जगह पर आ रहे हैं तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा सर्द गर्म की शिकायत रह सकती है। तुला राशि वालों के लिए आज जो दिन है वह प्रसन्नता से भरा रहेगा। आज आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, परंतु जानकारों की सलाह अवश्य लें ताकि आपको भविष्य में अधिक लाभ मिल सके। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए ऑनलाइन कोर्स की मदद अवश्य ले सकते हैं, जिससे कि आप नई शिक्षा प्रणाली में अपने आप को अपडेट कर सकें। परिवार में यदि आप सबसे छोटे हैं तो आज आपको बहुत ज़्यादा घर का लाड प्यार मिलने वाला है। आपकी कोई पुरानी डिमांड पूरी हो सकती है और आज आप अपने जो आपकी जो ऊर्जा है वह काफ़ी अच्छी रहने वाली है। बस किसी चीज़ के लिए व्यर्थ जिद ना करें, परिवार के जो लोग हैं वह आपका पूरा सहयोग करना चाहते हैं। वृश्चिक राशि वाले, आज आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की संभावना है। मेडिकल से जो लोग जुड़े हुए हैं वह उनको थोड़ा सा थकावट अवश्य महसूस हो सकती है और व्यापारी जो लोग हैं उन्हें अपना जो व्यवहार है उसे उन्हें नरम रखना चाहिए, क्योंकि मतभेद के संकेत जो हैं वह ग्रह गोचरी अवस्थाएं दिखा रही हैं, तो इसलिए अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखें। और कोई प्रिय वस्तु खोने की संभावना भी बन रही है तो इसलिए अपने जो गैजेट्स हैं, चाहे वह मोबाइल है या कोई भी अन्य चीज़ है, उन्हें अच्छे से संभाल कर रखें और खाने पीने में मिर्च मसाले का प्रयोग कम से कम करें। आइए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए समय कैसा रहने वाला है। आज बीते दिनों की यादों में आप खोए रहेंगे और आज आप अपने पुराने मित्रों के साथ भी संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। और यदि कार्यक्षेत्र के नज़रिए से देखें तो समय आपके लिए ऊर्जा से भरा रहेगा, परंतु वर्तमान जो कार्यक्षेत्र की चिंताएँ हैं वह कहीं ना कहीं आपके मन को संकुचित रख सकती हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर जॉब को लेकर इनसिक्योरिटी का भाव रह सकता है। तो आप अपनी प्रोफाइल को अच्छे से अपडेट करें और यदि आपको लगता है कि वर्तमान जॉब के अंदर कुछ असुरक्षा है तो आप अपनी तैयारी पहले से ही करके रखें। परिवार का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आपका जो स्वास्थ्य है वह काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ समय योगा और प्राणायाम के लिए अवश्य था। मकर राशि वालों के लिए आज का जो दिन है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए या तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए विशेष रहने वाला है। घर से बाहर निकलने से पहले बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। आज आपको नए अवसर मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी जो मेहनत है और जो लगन है उसके आपको सफल परिणाम मिलेंगे। इस समय आपको गले से जुड़ी कुछ समस्याएं महसूस हो सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंडा जो पेय पदार्थ है, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन सब चीज़ों का आप सेवन ना करें। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए काफ़ी शुभ है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो सॉफ्टवेयर से संबंधित कार्य करते हैं और उनको भविष्य में अब काफ़ी बड़ी डील्स मिल सकती हैं, क्योंकि जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो आपने हार्डवर्क किया है, तो बस आप उसकी प्रेजेंटेशन पे अच्छे से ध्यान दें, कामयाबी के रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। प्रेम विवाह और वैवाहिक जीवन के नज़रिए से यदि देखें तो स्थितियाँ काफ़ी आपके अनुकूल है। वैवाहिक जीवन का आप आनंद लेंगे और जो लोग प्रेम विवाह के लिए योजना बना रहे हैं तो समय उनके लिए भी अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा, खर्चों की कहीं ना कहीं अधिकता बनी रहेगी, लेकिन घर के बजट के हिसाब से ही खर्च करें। मीन राशि, आज आपकी कर्मठता और जो आपका आत्मविश्वास है वह आपके व्यवसाय में झलकने वाला है और आज आप कहीं ना कहीं रिस्क लेने की भी सोचेंगे, परंतु मैं आपसे इतना बोलूँगा कि रिस्क को अच्छे से कैलकुलेट अवश्य करें। कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं चलता है,
परंतु ओवर कॉन्फिडेंस बिजनेस के अंदर कभी कभी बहुत हानिकारक होता है, तो इसलिए इस तरफ विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखें तो कोई पुराना रोग जो आपको काफ़ी समय से परेशान कर रहा था, तो उसके लिए आज आपको कोई अच्छा चिकित्सक मिल सकता है और इस प्रति आपको इससे राहत भी महसूस हो सकती है। तो दोस्तों, आज के राशिफल में इतना ही। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, कामयाब रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं हेमंत बरुआ आपसे आज्ञा चाहूँगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।